और वो जान लीजिएगा, जैसा कहा ना, संसार खारा है, पर इस संसार में अगर सबसे सुंदर कोई चीज है तो वो है सियाराम, राधे श्याम के चरणों के प्रति आपका विश्वास। समुद्र नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? नाव। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए कौन सी नाव चाहिए? भगवान के चरण रूपी नौका, चरणारविंद की नौका में बैठकर के ही संसार समुद्र से पार उतरा जा सकता है। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई कितना भी कह ले ताबीज बांधने से भगवान मिल जाएंगे, कोई कितना भी कह ले कि कोई घर में नींबू मिर्च लटका लो भगवान मिल जाएंगे, कोई कितना भी कह ले गाड़ी के आगे ये काला धागा बांध लो इससे भगवान मिल जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, भगवान इन सब चीज़ों से नहीं मिलते हैं। भगवान मिलेंगे जब उनके चरणों में अनुराग होगा, उनके चरणों में भक्ति होगी, तब भगवान मिलेंगे। भक्ति के नाम पे सब कुछ है हमारे पास, पर बस भगवान के चरणों में अनुराग ही नहीं। जो भक्ति है भी नहीं उसको हम भक्ति मान लेते हैं, विधि विधानों को हम भक्ति मान लेते हैं। अजी तुम एक फूल भी भगवान को नहीं चढ़ाओगे ना तो भी भगवान आपसे एक फूल की मांग नहीं करेंगे। तुम सुबह शाम अगर अगरबत्ती नहीं लगा सकते ना तो भी भगवान नहीं कहेंगे कि नहीं तुझे ये करना पड़ेगा। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बस इतना चाहते तुम हर पल ये सोच के जियो कि मेरा जीवन कृष्ण है, मेरा श्वास कृष्ण है, मेरा तन कृष्ण है, मेरा धन कृष्ण है, मेरा मन कृष्ण है, मेरा जीवन कृष्ण है। बस भगवान से जुड़ जाओ। बाहर की पूजा पाठ का समय नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। दान करने के लिए पैसा नहीं, कोई बात नहीं, मत करो। तपस्या करने के लिए जा नहीं सकते घर से बाहर, मत जाओ। पर इतना तो समझ जाओ कि जीवन देने वाला भगवान है, जीवन चलाने वाला भगवान है, और जब इस दुनिया से जाएंगे भी तो भी एक ही रिश्ता बचेगा, हमारा और भगवान का रिश्ता। उन चरणों के प्रति अनुराग होना ही भजन है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास होना भजन है, तभी संसार से उभरेंगे। नहीं तो इस संसार में डूबते डूबते, गोता खाते 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 युगों युगों बीत गए हमको, और आगे भी युग ही बीत जाएंगे, पर कभी भी ये चक्र खत्म नहीं होने वाला। चक्र खत्म होगा उनके चरणों की कृपा से। गोसाई तुलसी बाबा विनय पत्रिका में कह रहे हैं प्रभु से, बहुत सुंदर भाव है, हे नाथ। ये वही तुलसी है, ये वही तुलसी है जो आधी रात को रत्ना से मिलने के लिए शव को नाव समझकर, सांप को रस्सी समझकर चढ़ गए रत्ना के कमरे में, कुटिया में। रत्ना ने कहा, तुम कैसे आए? बोले, नाव में आया, रस्सी टंगी थी उससे आ गया। रत्ना बोली, ऐसे कैसे हो सकता, आधी रात को कौन नाव चलाएगा, देख के आई तो शव पे बैठा बैठा आया है, सांप को रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ा है। और तब वो रत्ना कहती है, इतना लगाव इतना प्यार आपको इस मेरे शरीर से है, हार्ड मास के शरीर से है, काश इतना प्यार आपको श्री रामचंद्र के चरणों से हो जाता तो आज आपकी नैया पार हो जाती। बस तुलसी ने सोच लिया, अब तो यही करना, अब तो उन्हीं चरणों में अनुराग रखना। और फिर ऐसा अनुराग हुआ कि तुलसी कहने पर मजबूर हो गए कि हे नाथ, जाओ कहाँ तजे चरण तिहाई।
चरण तिहार। पतित पावन जग का, पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, चरण तिहारे जाऊं कहां चरण तिहारे जाऊं।